नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेतांकित पे। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हम जो अपनी ट्रेन जर्नी में हैं और हम मुंबई से जा रहे हैं बनारस और हम MP में पहुंच चुके हैं और हम हमारा नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है जबलपुर। हाँ, और हम थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं मुंह धोके। तो ये है जबलपुर स्टेशन। ये रही अंजलि और साक्षी भी आ गए। एंड ये रहे मेरे पापा। हम पांचों लोग और पापा ही नीचे उतरे थे। सॉरी, पांच नहीं, प्राची मम्मी के साथ उतरे थे। यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं अब हम। और ये जबलपुर स्टेशन क्रॉस हो रहा है। जबलपुर से हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट निकल चुकी है। ये है सिहोरा स्टेशन, सिहोरा रोड। यहाँ हमारा ट्रेन नहीं रुकने वाला क्योंकि ये स्टॉप नहीं है हमारे ट्रेन का। ये है मेरा लिटिल ब्रदर चिराग, मेरी बुआ का लड़का है ये। और ये हमारी चाय, मेरी जान है मेरी चाय। तो चाय पी के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी टेस्टी चाय थी, स्वाद अच्छा था इस चाय का। और ये जो हम लाइटिंग्स देख रहे हैं ना इस माउंटेन पे, ये मैहर माता का मंदिर है, ये माँ शारदा का मंदिर जो कि दिखता है जब मैहर स्टेशन आने वाला होता है उसके पहले। और ये हम पहुंच गए हैं मैहर स्टेशन। तो मैंने वो दृश्य भी कैद किया जहाँ पे माता का मंदिर है, जो वो माउंटेन था। और फिर मैहर जाने के बाद आया सतना। हम पहुंच चुके हैं सतना स्टेशन। और सतना स्टेशन पे शायद मैं उतरी हूँ, मैं उतरी थी सतना पे, मैं उतरी सतना स्टेशन पे। चाहिए फोटो भी चाहिए। अरे आओ ना, मैं फोटो भी लूंगी इसमें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं छिवकी स्टेशन और यहाँ हम सब उतरे क्योंकि यहाँ ट्रेन काफ़ी टाइम रुक गई थी। आई डोंट नो इशू क्या था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारी ट्रेन यहाँ रुक गई। तो हम लोग उतरे और हमने बहुत सारी मस्ती भी की यहाँ पे बहनों ने उतर के। और इसके बाद तो हम पहुंच चुके हैं हम आगे फिर से ट्रेन में। और यहाँ से अभी कुछ ही स्टेशन और हैं बनारस वाराणसी के लिए। तो अभी हम थोड़ा जा रहे हैं सोने क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, शायद 10:30 हो रहे हैं। और जो वाराणसी आएगा वो आएगा रात के 3:30 बजे। तो मे बी अभी हम सो जाएं, तब उठेंगे, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप हम कहाँ पे, हमारी आँखें खुलती हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे तब, तब तक के लिए बाय। तो हम सब सो गए थे, अचानक से मेरी नींद खुली और मैंने बाहर देखा तो लंबी सी नदी ब्रिज पर से हमारी ट्रेन निकल रही है। तो जस्ट मैंने जैसे देखा ना तो मुझे लगा ये माँ गंगा ही है। और मैं पापा से बोल भी रही थी कि ये गंगा माता है, गंगा माँ है। पापा बोले नहीं, ये कोई दूसरी नदी है। लेकिन जब हमने मतलब ब्रिज क्रॉस किया और जो बैनर रहता है, जो भी नदी है वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है, मैंने वो पढ़ के बोला और मैंने बोला हाँ देखिए गंगा माता है। और ये प्रवाह जो गंगा माँ का था ना, बहुत ही मतलब रात में इतना अच्छा लग रहा था। वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ पाया है, लेकिन जो हम लाइव देख रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो नदी है गंगा नदी, ये काशी स्टेशन के पहले आई थी। तो अब इस नदी के बाद अब काशी स्टेशन आने वाला है, मतलब गंगा नदी के बाद अब काशी स्टेशन आएगा। और काफ़ी 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 अच्छा मतलब लग रहा था।
रात में जो पुल से जो ट्रेन क्रॉस हो रही थी वो व्यू, और ना किनारे पे मंदिर भी बना हुआ था और आई थिंक ऐसा हाथ का कुछ स्ट्रक्चर था, वो अच्छे से क्लियरली आया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिन होता ना तो शायद, या शाम हल्की हल्की शाम होती ना तो और अच्छा आता। देखिए वहाँ पे दिख रहा है हल्का हल्का मंदिर दिख रहा है वहाँ पे, और वह हाथ का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इससे हाथ जोड़े हुए हैं दो, बहुत ही बहुत प्यारा लग रहा था। बस ये तमन्ना रह जाएगी कि मैं यहाँ जा नहीं पाई, तो बहुत 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 क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। देखिए मैंने कहा ना ये घाट ही है, क्योंकि नदी किनारे तो घाट ही हो सकता है, तो कितना प्यारा लग रहा है। जस्ट बाजू में ही मेन रोड है, मतलब ना सुकून है यहाँ पे, हालांकि रात का टाइम है, सुकून तो रहेगा ही, लेकिन मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मैं फाइनली काशी आ गई इस बात का, भोलेनाथ की नगरी काशी। और ये हम पहुँच गए काशी स्टेशन, तो हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, शायद 1 आवर लेट हो गई थी। तो काशी का टाइमिंग मुझे लग रहा है कि 3:15 का था या फिर जो भी था, लेकिन लेट हो गई हमारी ट्रेन। तो हमारी ट्रेन काशी पहुंची 4:15 के लगभग, और देखिए प्लेटफॉर्म पे आधे से आधा लोग सो रहे हैं और कुछ लोग बस चल रहे हैं ट्रेन की राह में, ट्रेन की राह देखते हुए, शायद उनको ट्रेन पकड़नी है। तो यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकी, बस अब हमारी ट्रेन रुकने वाली है। ट्रेन रुकी और मैं उतरी, मैंने कहा ये जो काशी जहाँ लिखा है वो मुझे एकदम हाईलाइट में चाहिए उसका वीडियो, और मैं जस्ट सो के उठी थी, भूत जैसी लग रही हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ उतर के। और अच्छी बात ये थी कि मैं फटाक से ट्रेन में चढ़ी, क्योंकि बहुत जल्दी। थैंक यू, कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1 5 0। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाराणसी, जो कि है मेरा ड्रीम प्लेस, और मेरा ड्रीम आज ट्रू हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा था। और आज की सुबह हमारी हुई बनारस में, मतलब वाराणसी स्टेशन पे हैं हमें, तो वाराणसी को ही बनारस बोलते हैं क्या, मुझे तो कन्फ्यूज़न है, लेकिन मेरे लिए वो बनारस ही है, हमेशा से मैंने बनारस ही बोला है। तो हम स्टेशन पे हैं और यहाँ पे ही हम मुँह वगैरह धो लेंगे, फिर हम उसके बाद यहाँ से निकलेंगे कुछ देर में। और ये स्टेशन पे जो ये पेंटिंग की हुई है पूरा गंगा घाट, गंगा आरती कैसे होती है सब, और ये स्टेशन पे जो सारे लोग हैं, मैंने सोचा उन्हें भी मैं कैप्चर कर लूँ, क्या पता आप कब बनारस आऊँगी, वैसे आऊँगी भोलेनाथ की अगली शादी से दोबारा बुलाते हैं हमें। तो ये मेरी पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी हुई, और ये हमारी ट्रेन जिससे हम आए हुए हैं। तो अब हमारी ट्रेन को हमें बाय बोलने का वक्त आ चुका है, बाय बाय ट्रेन। हम लोग पहुँच चुके हैं वाराणसी पहुँच चुके हैं। तो हम ब्रिज चढ़ के अब स्टेशन से बाहर निकलने जा रहे हैं, ये है स्वयं चलित सीढ़ी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जिस पे चलना पड़ता नहीं है, अपने आप ही मतलब चढ़ जाओ और आराम से मस्त चलती है, जोड़ा मजा आता है स्केलेटर पे। और ये स्टेशन का जो दृश्य है अत्यंत सुंदर है, मतलब इतनी काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वहाँ पे बनाई हुई हैं, और स्टेशन के बाहर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे तो पूरा बनारस ही बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये हम सब निकल चुके हैं बाहर, और फिर ये हमारा बनारस स्टेशन, वाराणसी स्टेशन, नॉट बनारस स्टेशन, वाराणसी सॉरी। तो ये है हमारा वाराणसी स्टेशन, जो कि बहुत प्यारा बनाया हुआ है, और यहाँ पर मुझे जो पेंटिंग्स जितनी भी बनाई हुई है ना, काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा दिन कर रहा था यहीं रुक जाऊँ, लेकिन नहीं रुक नहीं सकती, अंकल को मैंने बोला मैं आपकी भी वीडियो ज़रूर लूँगी अंकल। तो हम सब ने यहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी क्लिक की अपनी, और ये हमारा नेशनल फ्लैग, जय हिंद जय भारत।
उसके बाद हमारे साथ एक बार और वाराणसी स्टेशन, और फिर अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा पूरा एक बार वापस से मैं वीडियो ले लूँ स्टार्टिंग टू वैसे एंडिंग तक। वैसे अच्छे से नहीं ले पाई, इतनी अच्छी वीडियोग्राफी नहीं आती मुझे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आया था मैंने किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह काफ़ी सारे लोग, वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्लीनलीनेस बहुत अच्छा था। मतलब सुबह होते ही वहाँ पे झाड़ू एंड ऑल सब फटाफट मार रहे थे, पूरा क्लीन कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी क्लीन था, मतलब स्टेशन बहुत ज़्यादा क्लीन था, बहुत अच्छा लगा। और जो वहाँ पे लेन्स हैं वो भी काफ़ी क्लीन थे। ये रही हमारी अंजलि, ये रही हो चुकी है अभी रिटर्न आएंगे ना हम लोग, यही से तो रिटर्न जाएंगे भी। पहले स्टेशन से निकल रहे हैं, ऐसे रिक्शे में जाना है। वाह, हम गए हैं जब इलाहाबाद गए थे ना तभी गए थे हम लोग, इलाहाबाद गए थे सुबह सुबह पहुँचे थे। अब हम जा रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, पापा के साथ जाके ही पता चलेगा। यहाँ से दो रिक्शे किए गए, दो रिक्शे में आधे आधे लोग कर जाने गए। बाय बाय वाराणसी जंक्शन, वी मीट यू सून। अरे तो अभी जाएंगे फिर आएंगे ना बाद में। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब फाइनली ट्रेन की डेस्टिनेशन जर्नी ये थी, और हमारी डेस्टिनेशन जर्नी है काशी विश्वनाथ मंदिर। ए वाह, मेरा काशी मेरा स्वाभिमान, वाह वाह क्या बात कही है, ये बात तो है। हुआ था, और ये हम निकल गए हैं वाराणसी स्टेशन से, जय भगवान जी। और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, और जहाँ पे हम स्टे करेंगे वो ये जो रिक्शा वाले अंकल है ना, वही हमें लेके जाएंगे कि कौन सा होटल है, कहाँ पे कमरे खाली हैं, क्या है कहाँ। तो इनके थ्रू ही हम जा रहे हैं कि कहीं तो कमरा खाली मिल जाए, तो पापा और फूफा जी देखेंगे। हम तो बस सफ़र का मज़ा ले रहे हैं, वेलकम है हमारा वाराणसी में। काफ़ी मज़ा आ रहा था सुबह सुबह। एक्चुअली में सुबह सुबह की जो जर्नी होती है ना, एक सुबह की जर्नी और एक शाम की जर्नी, दोनों ही जर्नी में बड़ा मज़ा आता है। तो सुबह की जो जर्नी होती है ना, उसमें एकदम एनर्जेटिक फीलिंग होती है, मतलब कहते हैं ना सुबह सुबह एक अलग ही एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, काफ़ी अच्छा लगता है। और सेम शाम को होता है, शाम को भी वो सुकून भरा माहौल, मस्त शांत शांत सा, तो भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह काफ़ी अच्छा लग रहा था, और फिर हम लोग चाय पीने के लिए रुके, क्योंकि कुल्हड़ वाली चाय तो भैया गजब की लगती है, गजब मतलब बवाल चाय होती है कुल्हड़ वाली, और हमें बहुत पसंद है, तो हम सब ने भी कुल्हड़ वाली चाय। बट्टी जैसे पकड़ा था ना वैसे पकड़ा, तू ऐसे पकड़ा इसे। अजय तू भी ले, तो हम सब कुल्हड़ वाली चाय पीने, और मेरी बुआ तो कुछ ज्यादा ही सुपर एक्साइटेड थी, तो मजा आ रहा था। और मेरी जो बहन अंजलि, ये चाय नहीं पीती, काफ़ी अच्छी आदत है इनकी कि ये चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीती हैं, बहुत अच्छी बात है भैया। और ये है मेरे पापा जी। हाँ पापा, अच्छी बात है इनकी। और फिर ये हमारी निधि जो है, इनको रिक्शा चलाना था, बड़ा मज़ा आ रहा था इनको, मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि बस रिक्शे को हिला रही थी और खुद ही आवाज़ निकाल रही थी। चलाओ रिक्शा चलाओ। श्री रामचंद बाबा लोग आ रहे ना, हर हर भोले।
ये हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ कमरा लिया जाने वाला है, और हम बाहर खड़े हैं हम सब लोग। पापा और फूफा गए हैं अंदर, वो बुकिंग के जो भी प्रोसेस होते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे कि गाइस, हमारी दीदी पहुंच गई हैं इतना भारी बैग लेकर, और हमारी मम्मी को देखिए, वो भी बहुत भारी सा बैग लेके ढो रही है। कब से उठा लिया है उन्होंने, क्या है ना, कम्युनिटी का बड़ा ही शौक है, देख लीजिए। कहा हम स्टार्ट करते हैं, और जैसे कि हमारी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बहन है, वो थोड़ी सी बीमार हो गई इसलिए वो इंजॉय नहीं कर पा रही है। और ये है जो टूर पे निकली है, ये हमें गाइड करेंगी। और अंदर भी बहुत से लोग हैं, पर हम अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत बिजी हैं वो लोग, सो हम बाद में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बाय गाइस, में आ चुके हैं जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं, तो पार्वती गेस्ट हाउस। पार्वती गेस्ट हाउस, शिव जी को ढूंढने हम पार्वती गेस्ट हाउस में आए। अच्छा, नहीं, शिव जी से मिलने आए हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने। तो यही वो जगह है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमने एक कमरा लिया हुआ है, हम सब एक साथ में ही हैं। और फिर यहाँ से अब हम जाएंगे थोड़ी ही देर में घाट पे नहाने के लिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझ पर अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें। जय बाबा भोलेनाथ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट।